हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम थोड़े डॉट कॉम माई नेम इज रिमनद सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम थोड़े फ्रॉम लास्ट ट्वेल यर्यर्स टुडे वी आर गोइन टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वेदर यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आई बी पी एस आर ऑल बी स्केल टू वन स्केल थ्री क्या आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए क्या आपको अपनी प्राइवेट जॉब छोड़नी चाहिए या क्या आपको पी एस यू बैंक्स जैसे एस बी आई पी एन बी की जॉब छोड़ के आर आर बी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यू शुड आंसर दिस फर्स्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन लाइक स्ट्रेंज मिस्टेक्स इन देयर करियर बहुत ब्लंडर्स करते हैं लोग uh, कोई एस बी आई में डिसमिस uh, हो चुका है कोई प्राइवेट में पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है किसी को दूर का लोकेशन मिल गया है घर से सो वो सब लोग परेशान हैं एंड टोडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन राइट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन बिकॉज जनरली जो थर्टीज़ वाले जितने भी बैंकर्स हैं दे आर डिप्रेस्ड लाइक हुज़ बिटवीन थर्टी थर्टी वन टिल फोर्टीज मोस्ट ऑफ देम आर डिप्रेस्ड दे आर मैनी ऑफ दैम आर मैरड समेम आर अनमैरड तो पर्सनल लाइफ में उनका इश्यूज चल रहा है बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड मिड लाइफ क्राइसिस उनसे उतना काम एक्चुअली होता नहीं है जितना ट्वेंटीज में आप कर पाते हो थर्टीज में नहीं कर पाते राइट सो लॉर्ड ऑफ दूस टू डिस्कस विद यू टूडे विद इन नेक्स्ट टेन मिनट ओके शुड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आर आर वी स्केल टू वन स्केल थ्री डू यू नीड पीस ऑफ माइंड यू आर वर्किंग एट एच डी एफ सी बैंक फेडरल बैंक बहुत सारे टारगेट्स हैं नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं हु आर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ज़्यादा एनर्जेटिक हैं एंड योर मैनेजर योर सीनियर दे आर ऑलवेज लुकिंग एट यू कि आप क्या कर रहे हो आपके बड़े से टारगेट हैं आपके दो तीन जूनियर्स हैं वो भी परेशान हैं आप भी परेशान हो टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं अभी कह रहे हैं कि पचास करोड़ का कासा लाओ अगले क्वार्टर में बोल दिया कि सौ का लाओ बिकॉज सी ऑल दीज आर लाइक पब्लिक कोटक महिंद्रा बैंक आईसीवन एस बी आई नाउर इनको ग्रोथ चाहिए इनको हर तीन महीने हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखानी है दस परसेंट पंद्रह परसेंट की नहीं दिखाएंगे स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा बैंक नीचे जाएगा लोगों का भरोसा कम होगा बेसिकली एक बैंक का गोल है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू तो वापस आते हैं उसका आपके पीस ऑफ माइंड पे क्या इफेक्ट है सी बैंक इज बैंक का गोल क्या है मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू ठीक है आप इंपॉर्टेंट नहीं हो उसके लिए इफ यू आर नॉट देयर दिल बी लाइक हंड्रेड मोर पीपल हु वांट टू रिप्लेस यू आप अगर नहीं हो आपको पचास हजार सैलरी मिल रही है आपके जैसे पचास सौ हज़ार लोग बैठे हैं जो आपको रिप्लेस करेंगे उससे भी कम सैलरी में और आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं आपसे ज़्यादा काम जानते हैं आई मीन इफ इट इज़ अबाउट बैंकिंग आई कैन टीच दम बैंकिंग अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको पता है बैंकिंग क्या है वो सिखा देंगे मेरे जैसे भी बहुत हैं इवन आई एम रिप्लेसबल राइट सो डू यू नीड पीस ऑफ माइंड गेटिंग इन टू एन आर आर बी इट विल गिव यू अ पीस ऑफ माइंड आप सिंपल आराम से यू विल गेट अ रूरल पोस्टिंग एंड यू कैन जस्ट सेट डाउन एंड यू कैन रिलैक्स पूरा रिलैक्स नहीं है बट स्टिल यू कैन रिलैक्स विल बी नो टारगेट्स यू आर हेल्पिंग समबडी राइट ऐसा फील आएगा तो यू नीड पीस ऑफ माइंड दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट इफ यू नीड पीस ऑफ माइंड यू आर अप विद द टारगेट्स यू आर आई मीन रैट रेस लगी हुई है यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर करियर इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर करियर आर आर बी इज नॉट द थिंग आई मीन आप ग्रोथ अगर प्रायोरिटी है तो आर आर बी में मत जाओ अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए देन तो दिस इज़ दिंग एंड यू यू जस्ट लव द रूल रूरल एरिया राइट आपको रूरल एरियाज में रहना है यू लव आई मीन आपको गाँव गाँव वगैरह पसंद है यू यू लाइक ग्रीनरी लाइक आई डू पर्सनली आई आई डू लाइक इट राइट आई मीन इफ यू आर समबडी हु लवस क्लबिंग और वॉन्स टू यू नो जस्ट गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स एंड होटल्स अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो जो कि मेट्रोज में अवेलेबल है बैंगलोर डेली में अवेलेबल है बॉम्बे में अवेलेबल है इवन चंडीगढ़ में अवेलेबल है वैसा कुछ रूरल एरियाज़ में कुछ नहीं होता है आई मीन जनरली इट्स समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इन अ रूरल एरिया कई बार यू वोंट देर वोंट बी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली 24 फोर आवर कनेक्शन नहीं मिलता है जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपको लगती हैं कई बार वो भी अवेलेबल नहीं है राइट दैट्स द सिचुएशन राइट दैट इज दैट्स वॉट द सिचुएशन इज़ रूरल इंडिया ग्रीनरी अच्छी लगती है लेकिन कई बार बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट दिस इज़ द थिंग टू गो थर्डली आई मीन इट्स इट्स इंपॉर्टेंट यू वॉन्ट टू मेक अ हाउस यू वॉन्ट टू सेटल डाउन नाउ यू आर थर्टी यू आर थर्टी टू यू आर थर्टी फाइव एंड यू वॉन् टू सेटल डाउन हाउस uh, आप एक घर बनाना चाहते हो यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लुधियाना में या किसी लत uh, से बनारस में या किसी भी जगह पर आप एक घर बनाना चाहते हो आई मीन इफ़ योर पोस्टिंग इज़ नॉट फिक्सड आई मीन अगर आप यहाँ से वहाँ फेंकते ही जा रहे हैं कि इधर जाओ आप उधर जाओ यू आर नॉट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करियर इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर जॉब लोकेशन यू कॉन्ट जस्ट मेक अ हाउस एंड इट्स अ ड्रीम टू मेक अ हाउस

थर्टी फाइव यो थर्टी सिक्स एट यू आर एलिजिबल फॉर स्केल थ्री जस्ट गो फॉर इट आपके पास चार पांच साल का ऑब्वियसली बैंकिंग एक्सपीरियंस है जस्ट गो फॉर इट बेस्ट थिंग यू कैन डू बेस्ट करियर कैन गिव टू यू ओके मूविंग फॉरवर्ड यू आर अ बैंकर एंड यू डोट वॉन्ट टू वर्क फॉर अ प्राइवेट बैंक ये पहले वाला पॉइंट रिपीट हो रहा है दैट यू आर ऑलरेडी अ बैंकर यू आर वर्किंग विद कोटंग महिंद्रा बैंक विद एच डी एफ सी बैंक एंड

न नहीं होते यू गो टू पी एन बी यू गो डू एस बी आई दे लॉर्ड ऑफ पीपल हुआ फिफ्टी प्लस राइट आई मीन गो टू एच डी एफ सी और कोटक महिंद्रा ब्रांच इवन ब्रांच मैनेजर्स ऑल ऑल ऑफ आर लाइक थर्टी टू थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड थर्टी ईयर्स ओल्ड गाए थर्टी फाइव ईर्स ओल्ड गाए कोई फिफ्टी प्लस नहीं है वट अबाउट यूर रिटायरमेंट अब क्या करोगे आई मीन ओके यूगे आपने दस साल काम कर लिया पाँच साल और कर लोगे सात साल और कर लोगे वट आफ्टर फोर्टीज फोर्टीज के बाद क्या है फोर्टी के बाद आपके बच्चे सात आठ साल के होंगे दस साल के होंगे दे कॉन्ट वर्क एट दैट एज आपको कम से कम पचास पचपन की एज तक काम करना है 60... अगर इफ यू आर वर्किंग एट पी एस यू बैंक और एन आर आर यू कैन वर्क टिल सिक्सटी सो दैट्स अ नेक्स्ट पॉइंट यू नीड अ पीसफुल रिटायरमेंट आपको एक पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए बिकॉज सी इट्स वेरी डिफिकल्ट और नीयर टू एम्पॉसिबल टू वर्क प्राइवेट बैंक एट द एज ऑफ फिफ्टी लेट से खींच स्टार्ट करके आप पच पैंतालीस की उम्र तक काम कर रहे हो एच डी एफ सी बैंक में कैन यू वर्क एट एच डी एफ सी बैंक एट द एज ऑफ फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव नीयर टू एम्पॉसिबल मैंने नहीं देखा आज तक तो कुछ एक होंगे एक्सेप्शनल केस लेकिन they hire young blood they keep on hiring young people they give them a lot of huge target which is increasing every quarter आपके targets बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप पूरे नहीं कर रहे हो तो आपको वैसे ही मतलब निकाल देंगे बहुत सारा प्रेशर देंगे सुबह 8:00 बजे पहुंचो बैंक 8:30 बजे पहुंचो टिल 10 you'll be there at the branch i mean i have seen my brother is at hdfc bank so he's working लाइक फिफ्टीन आवर्स अ डे सिक्सटीन आवर्स अ डे पंद्रह घंटे काम कर रहा है वो आठ बजे घर से निकल रहा है रात को दस बजे आ रहा है ग्यारह बजे आ रहा है आ, कितनी कितनी देर तक आप ऐसे कर सकते हो योर बॉडी कान टेक दिस आपकी बॉडी उतना नहीं लोड ले सकती है यू डोंट हैव एनी अर्ज टू बिकम मल्टी मिलीनियर एनी वेज इट्स डिफिकल्ट टू बिकम मल्टीनियर बाय वर्किंग फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक पर काम करके लच से दस साल आप काम कर लेते हो आप मैक्सिमम कितना सेव कर सकते हो सत्तर लाख अस्सी लाख एक करोड़ डेढ़ करोड़ मैक्स टू मैक्स मैक्स टू I मैक्स mean, आई मीन आप एवरी ईयर आप कितना तीन चार लाख रुपए सेव कर रहे हो और लेट्स से आपने दस साल सेव कर लिए तीन तीन लाख और तीस लाख आपके टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और दस साल बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट को आप टू एक्स भी कर लो टू पॉइंट फाइव एक्स भी कर लो एक करोड़ रुपये आपने बचा लिया राइट स्टिल दस साल बाद उसकी कोई खास उतनी वैल्यू नहीं रहेगी राइट दैट्स अ फैक्ट यू कैन नॉट बिकम अ रिच पर्सन अ रिच गाय बाय वर्किंग फॉर अ प्राइवेट सेक्टर इवन फॉर एन आर आप कभी एक अमीर इंसान नहीं बन सकते हो यू विल बी जस्ट लाइक मिडिल क्लास सो यू डोंट हैव एनी ई अर्ज टू बिकम मल्टी मिलेर अभी आपकी साठ हजार सत्तर हजार एक लाख रुपये सैलरी है प्राइवेट सेक्टर बैंक में सिमिलर अमाउंट यू कैन गेट एट एन आर आर बी उतना वर्कलोड लिए बिना लेकिन uh, ज्यादा प्रमोशंस के चांसेस नहीं है ज़्यादा सैलरी हाइक्स के चांसेस नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में हैं जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में वो पी में आर में नहीं मिलेंगे सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशन अलॉट ऑफ यू आस्ट मीन वेदर शुड आई स्टार्ट द प्रिपरेशन आर नॉट तो ये मेरी कुछ एक रिकमेंडेशन है ये अगर आप इन क्राइटीरियाज में फिट बैठते हो देन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन बट इफ़ यू आर समबडी हु हैज लाइक लाइक गोल्स इन हिज लाइफ कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ गोल्स हैं वो लाइफ में कुछ करना चाहता है कुछ बड़ा करना चाहता है पहली बात जस्ट जस्ट गिव अप अपनी तो जॉब छोड़ दो कुछ बिजनेस करो जस्ट गो फॉर अ बिजनेस फादर का बिजनेस है उसे पकड़ो या कुछ नया करो यू कैन नेवर बिकम लाइक सुपर सक्सेसफुल बाय वर्किंग फॉर अ बैंक लाखों में एक हो सकता है जो सी लेवल तक पहुंचेगा एम uh, वगैरह बनेगा राइट right? बट मेजोरिटी ऑफ यू वंट बी एबल टू अचीव दैट इफ़ यू नीड पीसफुल लाइफ देन आर आर बी इज वे टू गो प्राइवेट बैंक से या पी एस यू बैंक से कमर्शियल बैंक से बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ मिलेगी आपको बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो स्केल टू में जा कर रोते हैं बिकॉज रूरल पोस्टिंग मिलती है रूरल पोस्टिंग मिली है कई लोगों को रूरल एरिया अच्छा लगता है

अब बिना जोमेटो स्विगी बिना फ्लिपकार्ट एमेज़ॉन के जी सकते हो गो फॉर बिना हाई स्पीड इंटरनेट के जी सकते हो गो फॉर दिस इज दिस शुड बी योर गोल राइट सो दैट्स 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 वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम से मैं शेयर करना चाहता था सो आई हैव स्टार्टेड द आई बी पी एस आर आर बी स्केल टू स्केल थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉर्सेस राइट Uh, which you can join on bankexamfred.com, and I'm going to provide the link in the description. And this year, I'm going to provide at least 25 full-length tests, complete video classes, notes, test series, right? Uh, eligibility criteria, I hope that is, we'll be discussing it tomorrow now. So that's a course I'm doing. And list of our successful students, all these students that took our courses in the past. In 2023, 2022, all these students they took my course in the past and they cracked their respective exams and I'm really really happy for them. All RRB scale to 23, 22, 21, 2020, 2019, uh, 2019 tha. All these students they took my course in the past and they cracked their respective exams, and I'm really, really happy for them. You can be one of them in the future, right? Uh, if you want to crack the September 2024 exam, start your preparation now. Right? The more time that you are giving to the exam, the higher probability is there to crack the exam actually. Right? Just go for it. Start your preparation now. Link is available in the description. Just go there. Okay. And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.